प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। हमने पहला पड़ाव देखा जहां सरदार पटेल की प्रतिमा का पुष्पांजलि किया था, उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी की, और अब यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सरदार सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। क्योंकि ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि कैसे इतिहास के उन नायकों को, जिनको इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान और जगह मिलनी थी, उनके योगदान को कमतर करके आंका गया, लेकिन उनके हिस्से का योगदान, उनके हिस्से का गौरव उन तक पहुंचे, उसके लिए एक नई लकीर खींचने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया है। और हमने देखा कि कैसे सुभाष बाबू के जन्म दिवस से 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत एक दिन पहले से करके की गई दिल्ली में, और निश्चित तौर से जो प्रतिमा का अनावरण किया गया वो भी अपने आप में बताता है कि कैसे देश की आज़ादी में बड़ा योगदान देने वाले सुभाष बाबू को लेकर नए पीढ़ी को बताया जा सके, उन तक वो इतिहास को रखा जा सके, इस बात की भी पूरी कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, कैसे देश भर के आदिवासी समाज के गुमनाम नायकों से लेकर देश की आज़ादी में एक बड़ा योगदान देने वाले उस वक्त के गुमनाम नायकों को भी इतिहास के पन्नों में उनका उचित स्थान देने की पूरी कोशिश की गई, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि देना एक तरीके से उन तमाम नायकों के योगदान को समर्पण भाव से पुष्प अर्पित करना है, जिस परिपाटी पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं। और आदिवासियों के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो आदिवासी गौरव दिवस मनाने से लेकर बिरसा मुंडा भगवान को उनके स्थान को आगे रखने को लेकर तमाम प्रकार के